आधा घंटा ही तो लगा यार। मैं एक चाय और भी कह रहा हूँ। अरे यार ये तो, ये तो बस की तरह मारा, ये तो देखो एक चाय और भी आता हूँ। अरे यार तो यार डिगी मालपुरा है स्टेशन में हूँ, बस स्टैंड में। और देखो यहाँ पे कोरा, इतना कोरा हो रहा है कुछ दिख नहीं रहा। बस ये गए बस है इतनी सी दूर, वो बस भी मतलब गेट तक नहीं दिख रहा बस स्टैंड का। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो हम आ चुके हैं माउंट आबू से, क्योंकि आप लोगों को हमारा रूम दिख ही रहा होगा, पिछले लोगों ने हमने दिखाया होगा। तो अभी आके दोनों के दोनों अपने अपने काम धंधे संभाल रहे हैं, और रानू के तो छुट्टियाँ लग गई स्कूल की, और भैया मेरे को तो जाना है काम पर। तो फिलहाल देखो अभी रानू बना रही है मेरे लिए खाना। देखो सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह 8 बजे 8:30 क्या है क्या वो ऐसे किसे चाइनीज तैयार बना रही है। अब ना दो के तैयार हो ली तब भी देखो। तो अभी फिलहाल खाना वाना बना रही है और मेरे को जाना है काम पर सुबह सुबह। तो अभी मैं फिलहाल चाय वाय पीने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, 10-15 मिनट चाय वाय पी लेता हूँ। देखो यार दोस्तों के साथ चाय पीता हूँ जिसमें इसको प्रॉब्लम है, ये कहती है कि मेरे सोत्रों के साथ जा रहे हो। अब यार दोस्तों दोस्ती होते हैं, तो मैं फिलहाल 10-15 मिनट के लिए चाय वाय पीने जाता हूँ। चाय पी के फिर आके वहाँ तक रानू खाना वाना बना देगी, फिर खाना लेके फिर निकलते बाहर। और आज मैं ना एक बार जिसने भी माउंट आबू का ब्लॉग नहीं दिखा होगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। तो फिलहाल तो आने के बाद अब काम धंधे में तो जाना जरूरी है, तो चलते हैं। और अभी हाँ सॉरी, अभी तो चलते क्या, चाय वाय पीने जा रहा हूँ। चाय पी के फिर आऊँगा, फिर रानू खाना बनाई देगी मैंने जैसे बताया, फिर जाके लेके निकलूँगा। तो आना आज मैं जा रहा हूँ ना, तो आप लोग बताओ कहाँ जा रहा हूँ, मतलब बहुत दूर जा रहा हूँ नॉर्थ साइड में। आज यहाँ रह भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को नाइट स्टे कहीं और बाहर करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आप लोगों को मेरी जॉब के मेरे साथ मतलब मेरी जॉब विजिट कराता हूँ, कैसे कैसे मैं जॉब करता हूँ, क्या क्या मेरा काम रहता है। तो खाना बना, मैं आ रहा हूँ मेरी सोतनों से मिलके, ठीक है, चाय पी के साथ। ओके बाय। यार गाइस फाइनली मेरी लुगाई की सोतनों के पास आ गया हूँ, चाय पीने की। वो रानू खेती रहती है कि है ना आप मेरी सोतनों के पास जा रहे हो, तो जल्दी चाय वाय पी लेते हैं दोस्तों के साथ, फिर निकलते हैं। यार गाइस फाइनली चाय वगैरह पी के, क्या पिया तो यार आ गया ना, कुछ काम होगा, आ गया ना, इतनी भी कोई चाय पीता है यार, दोस्त वगैरह थे यार बेचारे। जल्दी जाऊंगा, मेरे को जल्दी टिफिन पिटाया था, मैंने सारा काम छोड़ के पहले खाना बनाया तुम्हारे। तो दोस्त वगैरह के साथ बैठ के चाय पी रहा था ना, तो जरूरी है क्या, वो तो पैसे वाले, पैसे वाले तो सारे पैसे वाले थोड़ी है, वो तो कुछ भी है लेकिन वो काम पे जाना ही जाना। हाँ यार सब अपने अपने, नहीं मरना ठंडा पे मरना भूखे। तो अब आ गया ना मैं, आधा घंटा ही तो लगा यार। एक चाय और भी कह रहा हूँ। अरे यार ये तो, ये तो बस ये तो देखो शुरू हो जाती है, चाय पड़ी है। अरे देवी तेरी रामायण सुन के, ठीक है मेरे काम पोछा कपड़े ब्रश इतना सारा काम करती रहती हूं। तेरी रामायण बिना पानी पिए, चुप रहे ना, पहले भी लोटा बना दूं बाद में कर लूंगी सारा काम। तेरी रामायण सुन के इनको चाय की पड़ी, इनको तो खाना, चुप तो हो जा महारानी। तेरी रामायण सुन के मेरे कान तृप्त हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। ये अब तो जाओगे सही नहीं रहे तो। सॉरी सॉरी यार, आ गया ना यार, चाय पी नहीं थी दोस्तों। देखो ये भी आप फैला दिया, तो घड़ी करके रख दे। तो गाइस बैग वगैरह कंप्लीट है, हेलमेट कंप्लीट है, टिफिन वगैरह रानू ने रख दिया, तो सारा काम करा तुमने। ठीक है मैं तो चलता हूँ, ठीक है ना, बाय। अरे यार ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय, तो चलते। तो यार गाइस चलते, और आप लोग हाँ ठीक है, तो ओके चलते बाय। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave. देखो एक बार थोड़ा देखो यार, सच बताओ ना तो बूंदी से तो मतलब काफी अच्छा मार्केट है, काफी अच्छा, बूंदी से तो लाख गुना अच्छा। मैं तो पहली बार आया हूँ, थोड़ा एक बार पहले आया था, अभी कुछ महीने भर पहले रबी आया हूँ, तो पहले तो आया था तो मैं इतना देख नहीं पाया, पर एक बार देखो आप। आज दूसरा दिन हो और मैं अभी रुका हुआ हूँ यहाँ पे डिग्गी मालपुरा, तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत काम करके फिर जाना है टोंक। और देखो सुबह सुबह कितनी धुंध हो रखी है ना यार, बहुत ही ज़्यादा धुंध है, और अभी तो निकलना भी मतलब हालत ख़राब कर देगा अभी निकलना। तो अभी जो टाइम 8 बज रहे हैं, तो शायद मैं निकलूँगा यहाँ से 9:30 बजे तक निकलूँगा। अभी फिलहाल बाहर चाय वाय पीने आया हूँ, रानू को भी कॉल कर लिया, तो अभी तो रानू फिलहाल उठ रही है और अभी चाय वाय पी लेते हैं। तो यार डिग्गी मालपुरा है स्टेशन में हूँ, बस स्टैंड में। और देखो यहाँ पर कोरा, इतना कोरा हो रहा है ना, अभी नाश्ता वगैरह करके भी निकलूँगा, फिर नहाऊँगा नहा के फिर निकलना है। और देखो एक बार इतना कोहरा हो रहा है ना, कुछ दिख नहीं रहा, बस ये गए बस है इतनी सी दूर, वो बस भी मतलब गेट तक नहीं दिख रहा बस स्टैंड का यार। और देखो इधर ठेले वगैरह इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है, तो अभी तो निकलना तो खतरे से खाली नहीं है भैया, हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल तो थोड़ी सी धुंध को कम होने देते हैं, क्योंकि अभी 8:30 हुई है, तो जैसे 9:30 बजे की फिर निकलेंगे। तो अभी तो फिलहाल तो नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ। यार गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं, और देखो अभी जो धुंध हो रही थी वो भी खत्म हो चुकी है, लगभग थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलने लग गई, तो जल्दी से चलते और निकलते। यार गाइस मालपुरा से निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं डिग्गी के लिए, तो डिग्गी
और देखो एक बार कितनी धुंध हो रही है यार, मतलब वहाँ तो ना धुंध कम होगी थी, मैं निकल गया। और यहाँ देखो सच में लाइटें जला जला के गाड़ियाँ चल रही है। अभी यार दिख भी नहीं रहा क्योंकि ये गांव आ गया, बकरियाँ वगैरह आ रही है, तो मेरे को संभल के गाड़ी चलानी है। तो मैं रखता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज दूसरा दिन, और क्योंकि नाइट को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मेरे ननिहाल रुक गया था। तो अभी मेरे ननिहाल उठ के जा रहा हूँ दो नंबर, सबके सब ये मेरे मामा जी के लड़के दोनों के दोनों। और देखो कितनी सारी धुंध हो रही है यार, ये मेरे ननिहाल की गलियाँ है, उधर मेरा ननिहाल मेरे मामा जी का घर है। अब इधर जा रहे हैं हम तालाब में, तो इधर तो मतलब बाथरूम वगैरह तो है नहीं, मतलब होते हैं पर सब खुले में जाते हैं, खुले में जा रहे हैं दो नंबर, उन्हें जल्दी से होके आते हैं फिर मिलते हैं। पता है यार, इस कोहरे ने और सर्दी ने तो ऐसी हालत ख़राब कर रखी है ना बहुत ही ज़्यादा। और जब से मैं बूंदी से निकला हूँ ना, तब से ऐसा का ऐसा कोहरा हो रखा है और ऐसे ही कोहरे में काम कर रहा हूँ। तो आज लास्ट दिन है तो जल्दी से अभी काम कर। हेलो गाइस, तो अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और आपका भाई आ चुका है अभी बूंदी रूम पे। और देखो अभी मोटी सो रही है, अभी ये तो मोबाइल चला रही है, और मैंने आके खाना वाना खा लिया है। तो अब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को बता दूँ ना, क्योंकि यार मतलब ब्लॉग हमारे पास रखा हुआ है पर उसको मेरे को एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं भी जैसे आया माउंट आबू से आया तो फिर मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ था ऑफिस का, तो वो काम करने के लिए निकल गया। तो आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन में जाके आज जाके आया हूँ, तो अभी इस ब्लॉग को मेरे को एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। तो इस ब्लॉग के बाद फिर वो ब्लॉग आएगा, और आपने देखा होगा कैसे कि यार इस ब्लॉग को मैनेज कर लेना, मैंने जैसे तैसे करके कैसे भी मेरे को जैसे टाइम मिला ना ये ब्लॉग वैसे शूट किया है, क्योंकि अधिकतर तो मेरे को इस ब्लॉग को शूट करने का टाइम नहीं मिला। सुबह सुबह मिला है पर जहाँ पे दिन में मैंने काम किया वहाँ पे मेरे ब्लॉग शूट किया ही नहीं। और आज सुबह सुबह मेरे मामा जी वहाँ रुका था तो वहाँ का ब्लॉग शूट किया था, फिर दिन भर मैंने क्योंकि काम किया जल्दबाजी में तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और अभी आया हूँ घर पर, तो मेरे को आए हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। तो अब जाके खाना वाना खा के आराम करके, भैया सर्दी में हालत ख़राब हुई मेरे पूरे हाथ वगैरह ऐसे हो गए थे क्योंकि मैं आया ना तब भी मेरे को नाइट हो गई थी, तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर आके खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत देर आराम किया, अब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और साथ में एडिटिंग भी कर रहा हूँ। तो यार जैसा भी बनाया मैनेज कर लेना, और क्योंकि ये ब्लॉग ना मैंने मतलब जैसे भी मतलब मेरी जॉब में मैं कितनी परेशानियाँ देखता हूँ, कैसे कैसे मेरी जॉब कर रहा हूँ ठीक है ना, वो चीज़ें मैंने इसमें करी है तो देख सकते हो। क्योंकि मैंने जॉब तो मेरी दिखाई नहीं है पर मैं कैसे मेरी जॉब कैसी है, क्या है, कितनी दूर जाना पड़ता है और कैसी कैसी मुसीबत है, मेरे को सुबह सुबह सर्दियों में मेरे को चलना पड़ता है तो बहुत कठिन है। साथ में मैं ब्लॉग भी शूट करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, बहुत सारा काम है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को शूट करके दिखाई है, तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ब्लॉग बनाना। साथ में जॉब भी है, ब्लॉग भी शूट करना है, एडिटिंग भी करना है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है एडिटिंग करके इसको अपलोड करो, बहुत सारी चीज़ें तो मैनेज कर लेना। बस इस वजह से इतना काम है ना मेरे, इस वजह से टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे। तो आप लोगों के ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग, तब तक ले टाटा बाय बाय। वो देखो बाय बाय कर, एंड कर ब्लॉग को, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।